Nandan Pahad, Paramasir, Nandan Pahad,
और रेड जर्सी में ये है हमारे बिग गेंद नंदन पहाड़ की।
हफ्ता में चलता हुआ दोनों ही अभी तक में शून्य शून्य की स्थिति में। हालांकि यहां पर कुछ क्षण के पहले एक कॉर्नर किक का अच्छा मौका मिला था बरवसिया को, और यहां पर पुनः फर्स्ट हाफ के दौरान यहां पर दूसरा कॉर्नर किक का मौका मिलता हुआ इस पश्चिमी उत्तरी कॉर्नर क्षेत्र से। हेलो डेविड, हेलो कॉर्नर अच्छा ठीक को बता देना कॉर्नर यदि अगर अपोजिट टीम वडे कॉर्नर किक बिताने में थे 0 डिग्री एंगल का शॉट ना मौका को जाम ना आनी जगह के आधा गोल मौका फीफा द्वारा मौत का दावा जी आनी लगा थे आज भी था काफी बेहतरीन यहां पर खेल का प्रदर्शन करते हुए आपसी तालमेल यहां पर थोड़ा सा बिगड़ा है, लेकिन फिर भी यहां पर मौजूद है डिफेंस लाइन के खिलाड़ी मौजूद थे, पूरा यहां पर मिड लाइन को देने का प्रयास रहेगा और एक बार शॉट दागा था लेकिन यहां पर टच लाइन से बाहर जा चुकी है बॉल। यहां पर थ्रोइंग करने का सुनहरा मौका मिला यहां पर नंदन पहाड़ अपने सपोर्टिंग प्लेयर को देखते हुए बहुत ही सुंदर सा थ्रोइंग और एक बार डालना चाहेंगे डी बॉक्स में, लेकिन यहां पर चुस्त दुरुस्त मौजूद थे बरबसिया के और यहां पर सुंदर सा पास और एक जैसे नंबर चार के कब्जे में बॉल देखता होगा क्या कर पाते हैं, जिस पर थोड़ा सा माइनस पास यहां पर दिए है। एक आपसी तालमेल यहां पर बहुत ही सुंदर बन रहा है यहां पर जैसे नंबर चार और जैसे नंबर दस बरबसिया के, यहां पर ये तारीफ काबिल है मानना पड़ेगा। फिलहाल ये फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ दोनों ही शून्य शून्य की स्थिति में और यहाँ पर एक अच्छा मौका यहाँ पर बन सकता है लेकिन गोल लाइन से बाहर जाती हुई बॉल का मौका मिल रहा है, लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं एक स्ट्राइकर की कमी की वजह से एक आखिरी मोमेंट में एक सही डिसीजन न लेने की न ले पाने के कारण एक गोल का नजारा अभी तक ऑडियंस के सामने नहीं आया है। हालांकि सेंटर लाइन क्षेत्र में बॉल आने वाले कहते हैं बस ये ऐसे नंबर थी एक का तो छोड़ देगा ग्यारह लगे का तीन हालांकि डाउन मिलती जिन्हें सोच रहा बड़ी मौज में था रोका ना कुल मिल जाएगा ना मिलता पी खोई उसको लेना गोल की पर सुंदर सा बचा और गोल तो गोल लाइन को मेहता में डाक थोड़ा चितन देता हूँ गोल लाइन को ना बाहर हालांकि आप दबाव नहीं डालेंगे खिलाड़ी में आप दबाव नहीं डालेंगे आप एक अच्छी टीम के खिलाड़ी हैं आप इस तरीके से अनुशासनहीनता का परिचय न दें खेलना निर्माण लिखेंगे फटी लग टीम में गलती हो ना वो ये लो ऐसे में कोई गलती हो वो ये हम को खेलना को बारे को बारे को बारे को बारे को गोल भी आ अबे गोल आया कहां रोका भाई तीन डाउन बना टीम ने बना तो बड़ा टीम ने गलत गाते ना नॉन ने गोल रखा पे गोल तो नहीं सेकंड हाफ सेकंड हाफ नंदन पहाड़ और फिलहाल मुख्य निर्णायक महोदय मिस्टर कमलेश हेमराम जी कमलेश हेमराम जी और उत्तर आड़े रहे सुगे रेफरी लेकते बिनाया मिस्टर माथार मुर्मू जी मुका दो अयोध्या तीन पहाड़ खोई कनाए और उका दक्षिण आड़े सहायक रेफरी लेकते या योगदान यमदा मिस्टर सुशील टुडू जी मुका दो डुमरिया खोई या योगदान यमदा और फिलहाल नुकू प्रिया खिलाड़िया हेडे बॉयस और नोडे मिटे हॉल बॉल एडिटिंग शॉट हेडिंग के माध्यम से मैं खड़ी लाइन
सेंटर लाइन क्षेत्र रे बॉल बाद वाले का तार भी था नंदन पहाड़ा कच्चे है कुरुमुट तो है तैयार एंड सपोर्टिंग प्लेयर आर्म वाला का तड़ी वंश मौका तहे के नड़े जर्सी नंबर 12 में बैठे हैं ओका स्ट्राइकर के भूमिका रे बिना रन बहुत ही कांते और बॉल तो गोल लाइन पर बाहर में जा रहे हैं अच्छा शॉट डिफेंड द्वारा सुंदर सा शॉट यहां पर जमाया है देखना होगा और यहां पर एक मौजूद है नंदन पहाड़ी जिस नंबर 5 अपने साथी खेल का मुआयना करते हुए यहां पर दो को छकाया है और शायद यहां पर एक फाउल बॉल क्रिएट हुआ है और फाउल बॉल शॉट करने का फ्री किक करने का एक मौका मिला है और फाउल बॉल तब क्रिएट होता है जब आप अपोनेंट टीम के किसी खिलाड़ी को आप गलत तरीके से शॉट करते हैं या ट्रिकल करने का कोशिश करते हैं गलत तरीके से या धक्का मुक्की करते हैं या फिर आप उनके जर्सी को खींचते हैं या फिर आप अपोनेंट टीम के किसी खिलाड़ी को आप अपशब्द करते हैं या फिर रेफरी को अपशब्द करते हैं तब आपको फाउल बॉल दिया जा सकता है या साथ ही साथ यदि आप गलत तरीके से खेल का प्रदर्शन करते हैं उस समय भी आपको एक येलो कार्ड के रूप से आपको नवाजा जा सकता है जब एक खिलाड़ी को दो बार लगातार येलो कार्ड मिलता है तो सडनली ऑटोमेटिकली रेड कार्ड वहां पर हो जाता है और रेड कार्ड मिलने के बाद खिलाड़ी सीधे मैच से आउट हो जाते हैं बस इस कायदे कानून को ध्यान में रखना चाहिए यहां पर खिलाड़ी को और यहां पर अच्छा शॉट यहां पर दागा है अपने सपोर्टिंग प्लेयर टीम के लिए लेकिन देखना होगा यहां पर टीम ने पास किया है दो के लिए खेला है यहां पर मौजूद है जैसे नंबर दो बहुत ही सुंदर तरीके से एक को छकाया है सीधा डी में टीम के लिए खेला है टीम क्या कर पाते हैं डी के क्षेत्र से यहां पर अच्छा क्लियरेंस यहां पर डिफेंस लाइन के द्वारा सुंदर सा क्लियर हालांकि ये मैच यहां पर 4-4-2 के फॉर्मेशन में चल रहा है और देखना होगा और यहां पर डिफेंस में चार खिलाड़ी हैं और मिड लाइन में चार खिलाड़ी हैं और जो स्कोरर के रूप में है यहां पर दो खिलाड़ी हैं आखिर देखना होगा इस फॉर्मेशन में फिलहाल दोनों ही शून्य शून्य की स्थिति में कि कौन सी टीमें आखिर यहां पर जीत का सहरा अपने सर पर बांधती है और कौन सी टीमें इस मैच से बाहर आती है फिलहाल ये सेकंड हाफ का मैच चलता हुआ और दोनों ही शून्य शून्य की स्थिति में पांच मौजूद बनाया परमसिया रहे और बेहतरीन शॉट और सपोर्टिंग प्लेयर आठ लगे गति के दा आठ विकेट है ना का दोनों रन मौजूद परमसिया रहे और पांच पास है सपोर्टिंग प्लेयर तीन लगे थे तीन गति लाने 11 लगे थे गारी गति लाना सात लगे मैं गति पर साइन काफी मजबूत नोड़े कुछ का आने ये लगा चार भी था जैसे नंबर पांच अंक के लिए बॉल में का चार भी था 15 लगे गति के दा 15 विकेट है ना आर भी धरने जैसे नंबर सात तेज किया काफी बेहतरीन नीटे ट्रिकल रहा कुरुमुटु बेटे छकार रहा कुरुमुटु मैंने कहा डिफेंस लाइन रन खिलाड़ी रिमोट शॉट लगा मैंने कहा नहीं तो दूसरा ही शॉट और बॉल दो टच लाइन को लंग बाहर एक ऑफिसर आठ बॉल चपा दल गई जैसे नंबर सात द्वारा बड़े बेहतर रुडे मीट के छकार रहा कुरुमुटु कटे मुझे पास ना और रिमोट जैसे नंबर सेया आयरन सपोर्टिंग प्लेयर लगी पांच लगी गतिलना मेकरने मौजूद रन नौ गतिलना सात लगी आर्मी धारणे और चेंज का जैसे नंबर पांच ओपन लगे गति करा जेल संख्या बोल आखिर नोड़े आरे भी जैसे नंबर छह मीटे लंबा सा शॉट सीधा स्ट्राइकर पास ना रिकत है को किया मैं कहने डिफेंस लाइन द्वारा रिमच क्लियर आरे भी जाने जैसे नंबर सात सीधा शॉट बनाए और एक सपोर्टिंग प्लेयर लगे थे और इस बीच यहां पर देखना होगा बहुत ही सुंदर सा नजारा लेकिन एक फॉल बॉल यहां पर क्रिएट हुआ है और यहां पर एक नैतिक की मामला यहां बन सकता है नंदन नंदन पहाड़ के लिए एक खतरा क्रिएट हुआ है देखना होगा कि आखिर इस खतरे की घड़ी में नंदन पहाड़ की टीमें क्या कर पाती हैं। हालांकि ये काफी नजदीकी मामला है और यहाँ पर बॉल से 10 यार्ड की दूरी में तीन तीन खिलाड़ियों का दीवार बनता हुआ इन बॉल को रोकने के लिए लेकिन हालांकि यहाँ पर बारामासिया के खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं है सीधा शॉट दागा गोल पोस्ट में और ये सुंदर सा बचा बहुत ही अच्छा रणमौज बचाव के था नंदन पहाड़ गोल कीपर मना बता जरूर ने तारी पे काबिल के नाए और नुआ लगाते मीटे हेडिंग के बाद जब थे पास ना रिकॉर्ड में लंबा सा शॉट का है कना जैसे नंबर 6 रिकत है ना डला लगा चार डला बीच छतरा बॉल बिना कना और भी हमला का है कना ये तंदना था हुआ शॉट दागा गया था लेकिन यहां पर टच लाइन से बाहर जा चुकी सॉरी गोल लाइन से बाहर जा चुकी है बॉल होना है एसकेसी हाथीगढ़ वर्सेस एलओ एफटीसी
घोसला पाकुर के बीच में फर्स्ट क्वार्टर मैच आप दोनों तैयार रहेंगे। जो ही इन दोनों का मैच खत्म होगा जो ही आप दोनों का मैच होगी एसकेसी हाथीगढ़ वर्सेस एलओएफटीसी घोसला पाकुर। और यहाँ पर इस नंबर 6 ने दागा है अपने सपोर्टिंग प्लेयर के लिए, लेकिन यहाँ पर मौजूद न होने के कारण डिफेंस लाइन के द्वारा मिड लाइन 4 को पास किया था, लेकिन यहाँ पर पुनः और एक बार रिटर्निंग देखना होगा यहाँ पर क्या कर पाते हैं। फिलहाल जिस नंबर 11 यहाँ पर मौजूद है, 11 का प्रयास रहेगा 3 को पास करेंगे अपने स्ट्राइकर को पास देंगे, लेकिन स्वयं 11 ने सीधा शॉट दागा था और ये लक्ष्यहीन शॉट, दिशा सही था लेकिन लक्ष्य को ये भेद ना पाए और ये ऑफ टारगेट। यहाँ पर इस 0 डिग्री एंगल का शॉट आखिर क्या कमल कर पाती है। और यहाँ पर मौजूद है जर्सी नंबर 5 इस 0 डिग्री एंगल से शॉट लेने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका था और मौका मिला है। हेलो चैन सर, चैन सर, चैन 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 आखिर कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी का बदला कुछ एक खेल में परिवर्तन की दृष्टि से यहाँ पर नंदन पहाड़ की टीम मैनेजर ने खिलाड़ी का सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ पर अच्छा सा पास जैसे नंबर 3 सीधा शॉट दिया है यहाँ पर खतरे की घंटी और जैसे नंबर 6 के द्वारा अच्छा बचा, सुंदर सा बचा, कोई नुकसान नहीं। हालांकि हमारी बात इस तरीके से यहाँ पर बॉल को झोंका है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर बारामसिया क्या कर पाते हैं। पुनः और एक बार बारामसिया के कब्जे में बॉल, जैसे नंबर 7 क्या करते हैं देखना होगा। यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट हुआ है गोल करने का, बहुत ही अच्छा मौका और चुस्त दुरुस्त यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने कलेक्शन किया। आने वाले कहते मिट्टी हेडिंग कहते हैं सपोर्टिंग प्लेयर है पास का दिया और अब से जैसे नंबर 3 एंड सपोर्टिंग प्लेयर ने कहते पास था एक ना मेन खान डिफेंस लाइन हेडी मजबूत नोडे नंदन पहाड़ रेड बिता में औकात देवगर खोती है। इनका फैसला मैदानी गोल के माध्यम से होना है या फिर टाई ब्रेकर के माध्यम से। पुनः यहां पर और एक हमला बोला है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टर सुशील टुडू जी, जब आप अपोजिट टीम के सेकंड लास्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनसे यदि आप पार होते हैं जब बॉल आती है उस समय तो आपको ऑफसाइड के सेकंड लास्ट खिलाड़ी के समानांतर या उससे थोड़ा पीछे होना है, अन्यथा आपको ऑफसाइड का ऑफेंस दिया जाएगा। और थ्रोइंग करने का अच्छा मौका यहाँ पर मिला, बहुत ही सुंदर थ्रोइंग और एक बार हेडिंग के माध्यम से पास दिया है नंदन पहाड़ ने। देखना होगा जैसे नंबर जहाँ पर इस सुंदर हरियाली बेता में अड़े न पाए वीर गुरुते ऐसे कान नियाड़ी रे निया मंदन ना पे पेजे ले कान निया फर्स्ट हार्ड रे ना मुचित गति के ना आने ये बात कौन गई रोका तेही ना पहिल क्वार्टर मैच हुई हुआ होना तो आउट बोल चपा ना पाए बहुत अफसर रोड़े बारा बसिया बड़े बेहतर सीधा दीरे डलाना कुरुकुट तहे कना बेंका मिटे हेडिंग के जरिए का हमला ना कुरुकुट तहे कना मना दो बाकी हो जाएगा और बोल दो गोल लाइन का बाहर चला आता जोडेसी क्लब हाथ मारी वर्सेस नियकिन टीम रे ओको जितवा 19 में सेकंड क्वार्टर मैच तो हुई हो आर वाले कहते आर भी था 12 वर्षीय से ऐसी कायदा मिड लाइन खिलाड़ी और स्कोरर पास ना गुरुमुट तो है कदा और मेन का नियल का तो आर भी था उन्होंने पड़ा ना गुरुमुट तो है और थरो इरना आउट बोल चपाना नमाय तो सर अडे बेहतर जेल संग दड़ा बोल आर्मी दारों ने बारा मसियाड़ी बेहतरीन पास हेल संगिया बोल रेड आउट जैसे नंबर 7 अरड जैसे नंबर 14 में नया और शॉट के लाइन यह दो दिशाहीन शॉट और बोल दो टच लाइन को रंग बाहर शायद नहीं यह मीटे उचित घड़ी के नाम
और यहां पर जोनी मुर्मू की तरफ से नंदन पहाड़ जर्सी नंबर 14 के लिए एक ऑफर आया है। यदि यहां पर ये होल्ड करते हैं तो सोनू मुर्मू की ओर से इन्हें 551 रुपया नगद राशि के तौर पर इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो चलिए नंदन पहाड़ के लिए यहां पर अच्छा ऑफर आया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जर्सी नंबर 14 इस पुरस्कार को लेना चाहेंगे। यदि वो खिलाड़ी गोल नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में वो राशि कमेटी के पास जमा रहेगी। और यहाँ पर अच्छा मौका क्रिएट हुआ था, एक मौका यहाँ पर अच्छा सा मिला था बरबसिया को, क्योंकि यहाँ पर गोलकीपर के हाथ से एक बार छिटक चुकी थी बॉल, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे मौका से यहाँ पर चुक चुके हैं बरबसिया के खिलाड़ी। इस आखिरी समय में इस आखिरी मौका में यहाँ पर बरबसिया को बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा पल मिला था। हालांकि यहाँ पर सेकेंड हाफ के दौरान के टीम ने बहुत ही अच्छा दबाव यहाँ पर दिया था, इनका पूरा वक्त यहाँ पर भारी था। फिलहाल दोनों ही इस